बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा पूरा बॉडी जो है उसका प्रोजेक्शन हमारे हैंड के अंदर है, एंड माइन्यूटली एवरीथिंग, हर कुछ है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आपका हार्ट है, आपके क्या क्या लोब्स होते हैं, मतलब जो बड़ा हिस्सा है, छोटा हिस्सा है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, स्टमक, सब कुछ इस रिप्रेजेंटेशन उसका वैसे ही है जैसा बॉडी के अंदर है. अंडरस्टैंड? तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बना के कहीं लगा रहे हैं. तो ये जब भी हम आप ये जो भी कोर्स ज्वाइन करेंगे, हमको एक बुक लेनी होगी, वी है, हमको ये प्रैक्टिस करना होगा अपने हाथ में ड्रॉ करके, तो हम समझेंगे कि हमको एग्जैक्टली कहाँ पे क्या एरिया, क्या ऑर्गन आ रहा है, और फिर हम वो ऑर्गन के उधर जब ही ट्रीटमेंट देंगे. तो अभी बेसिकली जैसे कि हम पेनफुल पॉइंट भी फाइंड आउट करते हैं, तो सपोज मुझे, जैसे मैंने बोला कि हेडेक है या कुछ है, तो मुझे यहाँ पे जो भी सबसे ज्यादा पेन होगा, अब जो मेरा हेड है वो यहाँ पे ही नहीं है, इट इज, ये रिप्रेजेंटेटेड है, उसमें अलग अलग तरह के सिस्टम्स हैं जिसको हम बोलते हैं, जैसे ये आप देख रहे हो पूरा पाम है, तो हमने बॉडी को पूरे पाम पे रिप्रेजेंट किया, राइट. उसी तरह से हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है फिंगर के ऊपर भी, अगर आप देखोगे तो ये हम एक फिंगर पे भी पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट. और हम इतने हिस्से में भी पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके. सो बहुत सारे सिस्टम्स है, कॉरेस्पॉन्डेंट सिस्टम्स, जो कॉरेस्पॉन्ड, बिकॉज कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है वो उसको, वेयर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं. सो कॉरेस्पॉन्डेंट सिस्टम में हम लोग जो है, ये बेसिकली अभी हम फोकस इस पर्टिकुलर कोर्स में हम पाम के ऊपर फोकस करेंगे, एट द मोस्ट फिंगर एंड मे बी द मिनी सिस्टम, इसको मिनी सिस्टम बोलते हैं, जहां पे हम हर ऑर्गन्स को इतने से हिस्से के अंदर हम पूरी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, राइट. सो हर पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, इतने हिस्से में भी. तो इसलिए यू नो, कभी कभी ऐसा होगा कि आप यहाँ पे भी फिंगर्स हैं आपके आ रहे हैं, इतने हिस्से में अंदर आपका सब कुछ, स्टमक सब कुछ आ रहा है, आपको हो सकता है पेनफुल पॉइंट यहाँ पे मिल जाए. तो अगर आप उसको ट्रीट करोगे तो आपको, और फिर जब आप उसको स्टिम्युलेट करते हो, देर इज अ प्रोसेस कि आप उसको एक मिनट या ये स्टिम्युलेशन करते हैं. अगर आपने देखा होगा तो हमारे पास ये एक्यूप्रेशर रिंग्स भी मिलती हैं. सो ये सब चीजें जो है, हम एक एक मिनट तक अपनी पूरी अगर ये करते हैं. सो ये जस्ट इसलिए नहीं है कि हमको जब प्रॉब्लम है तभी हमको करना है. अगर हम एवरी डे भी एक रूटीन बना लें कि भाई हमको अपनी यू नो हर फिंगर को इस तरह से हम एक्यूप्रेशर रिंग को अपने फिंगर्स के थ्रू, सो हम क्या कर रहे हैं, अपनी पूरी बॉडी को एक तरह से हम मसाज प्रोवाइड. मोनिका जी, आपका हाथ दिख नहीं रहा है, आप थोड़ा सा अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर करके बताएंगे तो समझ आएगा कि रिंग अब. Now it is visible. Okay, ठीक है. तो ये जो रिंग है, ये इस तरह की रिंग्स मिलती हैं. Okay, ये रिंग जो है फिंगर रिंग है सुजोग की, जो हम फिंगर्स के ऊपर यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो ये एक ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे रख के मैंने छोड़ दिया, मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ, मैं उसको पूरी नीचे तक लेके जा रही हूँ, ठीक है, फिर ऊपर लेके आ रही हूँ. ओके, और ये नहीं है कि आप ये बस करते करते ही रहे पूरे दिन, नहीं, हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है, मतलब आप एक मिनट करेंगे या कुछ पर फिंगर, नॉट के आप बहुत ज्यादा करेंगे, क्योंकि कभी कभी हमारी स्किन भी बहुत सेंसिटिव होती है, और यू नो जिस एरिया में हमको जैसे के लग रहा है कि सपोज मुझे ये एरिया को ट्रीट करना है, ओके, वो हमको ऑफकोर्स हम जब ऑर्गन्स का करेंगे, या जैसे कि नी है, नी ज्वाइंट है, अलग अलग ज्वाइंट्स हैं, सो हमको जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जब हम वहां पे कर रहे हैं, तो हम वो एरिया को ज्यादा स्टिम्युलेट करते हैं, राइट. सो ये जैसे कि हम ये एरिया में कर रहे हैं, सपोज मेरे को हेडेक था, राइट, सो मैं ये एरिया में ज्यादा कर रही हूँ, है ना, राइट. सो इससे क्या होता है, वो एरिया थोड़ा लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि आपने एक उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया. तो उसके फिर हम इसके ऊपर सीड अप्लाई करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो है वो एब्जॉर्प्शन जो है वो भी बराबर होता है, और हमारे पास मोक्सा स्टिक्स भी आती हैं, जैसे उससे आप वो पर्टिकुलर वो उसको अगर गर्माई देना, यू नो, तो वो भी करते हैं. कई जगह पे कोल्ड थेरेपी भी की जाती है, आइस थेरेपी, ओके. इनफैक्ट आजकल मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बिकॉज आई एम स्टेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, सो आई नो कि यहाँ पे लोग बहुत कोल्ड थेरेपी बहुत करते हैं.
सो किसी को भी लॉट ऑफ पीपल जो ट्रॉमास हैं या जिनको इश्यूज होते हैं, अगर आप जाके एक थोड़ी देर को आइस केबिन में खड़े हो जाओ, या आप क्यूब आइस क्यूब लगा लो, आप देखोगे इमिडिएटली आपका जो भी आपको टेंशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, वो रिलैक्स्ड हो जाएगी बॉडी के अंदर. सो यहाँ पे दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि सुजोग में वी विल बी टॉकिंग अबाउट सुजोग एंड द एक्यूप्रेशर, बट हाउ इट इज एज आई सेड कि कैसे वो अलग, दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है. क्योंकि बेसिकली एक्यूपंचर जो होता है वो वी यूज द नीडल्स, लेकिन जब हम एक्यूप्रेशर की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ प्रेशर बात कर रहे हैं. इवन सुजोग जो है उसमें हम लोग सिर्फ प्रेशर की ही बात करेंगे यहाँ पे. सो इट इज अ प्रेशर जो हम हाथ से अप्लाई कर सकते हैं, थंब से अप्लाई कर सकते हैं, एल्बो से अप्लाई कर सकते हैं, इस मतलब अपने इससे नकल से अप्लाई कर सकते हैं, एल्बो से अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन कौन से एरिया को ट्रीट कर रहे हैं. जैसे कि अगर हम अपने जब हम रिफ्लेक्सोलॉजी कर सीखेंगे तो उसमें हम लोग ये नकल का इस्तेमाल बहुत किया जाता है, ये बहुत अच्छा प्रेशर अप्लाई करता है. एंड इनफैक्ट रिफ्लेक्सोलॉजी इतना इंटरेस्टिंग चीज है बिकॉज फाइनली आपके जब ये आप सुजोग कर रहे हो तो आप हैंड और लेग दोनों कर रहे हो, और क्या होता है बिकॉज लेग्स पे थोड़ा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन लेग पे ये फायदा होता है कि अगर आप कोई चीज लगा दो, जैसे अभी हमने सीड्स लगाए हैं तो हमको ये कुछ घंटे लगाने हैं, तो अगर हम उसको पानी में अपना हाथ डालते हैं तो वो सीड्स वेट हो जाएंगे, तो फिर उनका वो नहीं रहेगा. तो इसके लिए कई बार हम लोग लेग्स में बिकॉज वो यूज नहीं हो रहा. और लेग में दूसरा चीज क्या होती है, ऑटोमेटिक प्रेशर होता है, क्योंकि जब आप चलते हो तो अगर आपने सीड लगाया हुआ है तो जब वो प्रेस करता है ग्राउंड को तो ऑटोमेटिकली प्रेस होता है. तो ये सीड सिर्फ लगा के छोड़ देना नहीं है, आफ्टर वी हम जब इसको लगा लेते हैं तो इसको हम लोग प्रेस भी करते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, कुछ घंटे बाद. तो ये 4 घंटे 5 घंटे सीड्स आप कितने भी घंटे लगा सकते हो, लेकिन ऑफकोर्स उसका एक तरीका है लगाने का, बहुत टाइट भी नहीं लगाया जाता है जो, क्योंकि कभी कभी ऐसा ना हो कि आपके पूरा निशान पड़ जाए, स्किन वो हो जाए, तो ये सब आपको सिखाया जाएगा. सो बेसिकली हर एक के पास एक नोटबुक होनी चाहिए, हमको बॉडी की एनाटॉमी समझनी होगी, वो बॉडी को अपने हाथ के ऊपर ड्रॉ करना होगा. उस ड्रॉ इसलिए क्योंकि जब हम किसी चीज को ड्रॉ करते हैं बहुत बार तो फिर हमको वो समझ में याद रह जाता है कि हाँ ये एग्जैक्टली इधर आता है. तो जब हम अपने लिए कर रहे हैं वो अलग बात है, जब हम दूसरे के लिए भी कर रहे हैं तो हमको समझ में आना चाहिए कि उसका किधर है, राइट. सो फिर देर आर डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि अभी मैं ऐसे ऐसे से करके भी मसाज कर सकती हूँ, राउंड भी मसाज कर सकती हूँ, ऊपर की तरफ भी मसाज कर सकती हूँ. तो अलग अलग तरीके होते हैं डिपेंडिंग ऑन हमको किस तरह का करना है. सपोज मुझे उल्टी आ रही है, अब ऑलरेडी देर इज अ प्रेशर के चीज ऊपर को आ रही है तो मुझे वो चीज को नीचे को करना है, राइट. सो मैं उस तरह से, सो देर इज अ प्रोसीजर. सो और उसमें हम ये सब चीजें यूज करेंगे. सीड्स हैं, सीड्स भी बहुत तरह के सीड्स होते हैं, एंड बट मैक्सिमम ऑफ कोर्स मेथी यूज किया जाता है जो किसी भी प्रॉब्लम के लिए यूज हो सकता है, पर जैसे ब्लैक पेपर है, आप डिपेंडिंग ऑन द सीड्स भी जो है आपके बॉडी के ऑर्गन्स के साथ कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, राइट. अभी अगर आप राजमा देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, राजमा आपको क्या लगता है, राजमा क्या लग रहा है आपको, कोई बोल सकता है? किडनी बीन्स, किडनी बीन्स, किडनी किडनी बीन्स, किडनी लग रहा है. इवन आपके ईयर्स देखो, अगर आपके ईयर्स भी देखो तो वो ऐसे ही है ना, ये शेप राजमा की शेप में, राइट. तो आपके सर है, जैसे कि हम वॉलनट यूज करते हैं सर के लिए, राइट. तो वॉलनट का पार्ट को हम छोटे से, अभी आप बोलोगे इतना सा हिस्से में मैं वॉलनट कैसे इतना बड़ा लगाऊंगी, तो आप उसको ब्रेक करके छोटा सा पीस आप यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट. आपकी आंखें हैं, जैसे ब्लैक पेपर है तो आप आंखें के लिए ब्लैक पेपर यूज कर सकते हो, राइट. सो ऐसे ही है आपके बैक इश्यूज है, आई मीन सर्वाइकल एंड ऑल में इतना एडवांटेज होता है. मैं खुद यूज करती हूँ, मैं खुद मेडिसिन यहाँ नहीं लेती हूँ क्योंकि ऑफकोर्स डॉक्टर मिलना भी आसान काम नहीं है, उनकी अपॉइंटमेंट लेना भी आसान काम नहीं है, एंड देर आर मेनी इश्यूज जो आप अपने आप हैंडल कर सकते हो, विच इज अगेन सेइंग कि ये नहीं मतलब नहीं है कि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएं, राइट. पर जब हम लोग ये 5 पॉइंट ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ वो ऑर्गन को ही नहीं देखेंगे, उसके अलावा भी बहुत सी और चीजें जिसपे देखी जाती हैं, और उससे रिलेटेड ऑर्गन्स है,
कुछ इश्यूज में हम लोग ब्रेन पॉइंट लेते हैं, कुछ इश्यूज में हम लोग किडनी पॉइंट लेते हैं, कुछ में हम लिवर को कंसिडर करते हैं. एज वी नो कि हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर सिस्टम्स है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं जो उसके साथ रिलेट करते हैं या कनेक्टेड होते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन ये होगी, सो वी विल बी ट्रीट टेकिंग द ट्रीटमेंट. हम हर हर एक ऑर्गन का उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा. ओके, ट्रीटमेंट विल बी सिंपल थ्रू सीड मैग्नेट. मैग्नेट विल बी यूजिंग, हम सिर्फ क्लस्टर या स्टार मैग्नेट यूज करेंगे. हम इसमें इंक्रीज या डिक्रीज का इफेक्ट नहीं करेंगे. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टोनिफिकेशन एंड सेडेशन. वी विल नॉट बी डूइंग दैट इन दिस बिकॉज ये बेसिक लेवल पे वी आर टॉकिंग अबाउट. सो वी विल बी डूइंग अबाउट द मतलब हम नॉर्मल क्लस्टर्स मैग्नेट्स या स्टार मैग्नेट यूज करेंगे. राइट, तो क्या होता है कि मैग्नेट में थोड़ा इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, वो थोड़ा प्रेस भी करता है स्किन को ज्यादा. सीड डजंट मीन कि सीड में इफेक्ट नहीं है, सीड में भी उतनी ताकत है जितनी कि मैग्नेट में है. लेकिन सिर्फ वो आपको लगेगा कि ये तो छोटा सा है, उसमें क्या इतना ताकत आएगी, प्रेशर आएगी या क्या वो यू नो. तो ऐसा नहीं है, कई पॉइंट्स पे हम लोग सीड्स के भी पूरा एक साथ में यूज करते हैं. और जैसे मैंने बोला कि वी हैव टू कंटिन्यूसली प्रेस. राइट, तो ये हम लोग सुजोक में करेंगे. उसके बाद मोनिका जी, अगर यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, सो वी कैन टेक क्वेश्चंस जस्ट फॉर 2-3 मिनट्स, देन वी विल स्टार्ट द अदर टॉपिक. इफ एनीवन वांट्स प्लीज रेज योर डिजिटल हैंड. आपका जो एनीथिंग. ओके सार्निक जी, हेलो. या काइंडली वीडियो ऑन करके और अनम्यूट करके बोले. बट अंशु आई एम नॉट एबल टू सी एनीवन. जस्ट सी आपका कुछ स्क्रीन स्वैप कर सकते हैं. प्रॉब्लम हुआ है. एनीवे डजंट मैटर, फिर भी बोल सकते हैं. मैं सुन ओके सार्निक जी हैं. सार्निक जी अनम्यूट करके बोले प्लीज. हम कुछ लोगों का कॉन्जेनाइटल कोई डिफॉर्मिटी होती है, जैसे कुछ लोगों के कुछ एक्स्ट्रा फिंगर्स होते हैं कई बार हाथ पे, कुछ लोगों के कुछ फिंगर मिसिंग भी होते हैं, उन पे तो सूजक शायद काम नहीं करेगा फिर. नहीं क्यों, मतलब आपका दोनों हाथ में, आप कह रहे हो कि दोनों में फिंगर थी? नहीं मेरा तो नॉर्मल है. कुछ हाँ. लोग मैं कुछ लोगों का वो कॉन्जेनाइटल वो. हाँ मैं समझ गई, लेकिन आपका आप कोई भी हैंड यूज कर सकते हैं ना. आपके दोनों हैंड में कुछ भी नहीं है. आपके मतलब आप ये फिंगर भी यूज कर सकते हो फॉर हैंड, ये फिंगर भी यूज कर सकते हो. राइट, वो प्राइमरी और सेकेंडरी का अलग बात होती है जब भी हम लोग लेफ्ट साइड या राइट साइड. बट ज्यादातर जो हम लोग जैसे कि अपना हाथ भी यूज करते हैं तो हम लोग ये वाला हाथ यूज करते हैं ना, क्योंकि मैं ये हाथ पे तो कर नहीं सकती अपने आप भी. राइट, सो ऐसा नहीं है आपके दोनों मतलब फिर पैर में भी कर सकते हैं आप. okay. है ना, और इनफैक्ट पैर में तो इट इज वेरी इफेक्टिव. लेकिन सिर्फ ये होता है कि अभी बैठ के आपको, अगर आप किसी और का कर रहे हो तो आपके लिए आसानी है, अपने खुद का पैर को उठा के करना थोड़ा मुश्किल होता है. लेकिन फिर भी आप वो कर सकते हो. इनफैक्ट अगर पैर में आप रेगुलरली रिफ्लेक्सोलॉजी अपने आप भी करो या एक किसी सर्टिफाइड पर्सन से भी करो एंड ऑल, तो बहुत सी इश्यूज आपकी वहीं पे ही सॉल्व हो जाएंगे. ओके मोनिका जी, मुझे सार्निक जी मैं आपकी बात उन तक पहुंचाती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है वहां पर. मोनिका जी वो ये पूछना चाह रहे हैं एक्स्ट्रा फिंगर्स. हाँ मैं वही बात बता रही हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल हम फाइव फिंगर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें हम हेड भी लेते हैं कि अगर अंगूठे में हेड है, अगर किसी के दो अंगूठे हैं, बहुत क्लीशे एग्जांपल दे रही हूँ, ऋतिक रोशन. फाइन, अब ऋतिक रोशन के दो अंगूठे हैं तो हेड आप उसको कैसे कंसिडर करोगे? तो दोनों में करो ना. जी पूछना चाह रहे हैं दोनों में आप करो, क्योंकि देखिए आप हेड सिर्फ इधर ही नहीं कर रहे हो. जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप एक पाम सिस्टम लेते हो तो आप ये इसको हेड इसको सिर्फ समझ रहे हो, लेकिन जब भी आप फिंगर सिस्टम ले रहे हो या जो भी आप मिनी सिस्टम ले रहे हो, एनिमल सिस्टम ले रहे हो, तो आपके तो बहुत सारे हेड्स हैं, एक ही हेड नहीं है.
समझे, मतलब अंगूठे अगर दो है तो दोनों मतलब आप हेड ही समझोगे उसको, दोनों नहीं, दोनों में भी कर सकते हो, आपका हेड इधर भी आता है, इधर भी आता है, इधर भी आता है, इधर भी आता है, यहाँ इसके अंदर भी आता है, ये एनिमल सिस्टम में हेड इधर भी आता है, समझे? अच्छा, तो आप ये सब सिखाने वाले मैडम? देखो ये हम, हाँ ऑफ कोर्स वी विल बी डूइंग ये एज आई सेड के फिंगर सिस्टम, पाम सिस्टम, फिंगर सिस्टम एंड मिनी सिस्टम, वो हम समझेंगे, ट्रीटमेंट हम फाइनली हाँ इस ये तीनों पे ही आप करोगे। देर आर मेनी मोर सिस्टम्स ऑल्सो, अभी अगर मैं एनिमल, अगर आप ऐसे देखो तो आपका ये एनिमल का फेस दिखेगा आपको, अगर आप देखोगे ऐसे।